बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, आप सभी दर्शक बिंदु का एस्ट्रोतक में स्वागत है। इस वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं कि कब है देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह। तुलसी पूजन में इन बातों का रखेंगे ध्यान तो निश्चित रूप से होगी तरक्की। हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस साल देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह 15 नवंबर 2021 सोमवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से उठते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन मांगलिक या शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, या यूं कहें शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह जो है वह 15 नवंबर सोमवार को है। द्वादशी तिथि 15 नवंबर सोमवार को सुबह 6:39 से है। द्वादशी तिथि 16 नवंबर मंगलवार को 8:01 से है। एकादशी तिथि समापन 15 नवंबर को सुबह 6:39 पर होगा और द्वादशी आरंभ होगी। तुलसी पूजा में इन बातों का अगर आप रखेंगे ध्यान तो निश्चित रूप से लाभ होगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शालिग्राम अवतार में और माता तुलसी का विवाह होता है, इसलिए हर सुहागिन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का जो है वह लाभ होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पूजा के समय माँ लक्ष्मी को सुहाग का सामान और लाल चुंदरी जरूर चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम को साथ रखें और तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को दूध में भींगी हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा के बाद किसी भी चीज के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। मिठाई और प्रसाद का भोग लगाएं। मुख्य आहार के साथ ग्रहण और वितरण करें। पूजा खत्म होने पर शाम को भगवान विष्णु से जागने का आवाहन करें। आप सब यूं ही बने रहें। अभी तक यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।